अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन को की सिंपलेस्ट फॉर्म्स कैसे होती हैं। ठीक है, अब फर्दर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपने बुक का पेज नंबर आपने ओपन करना है 79। बुक का पेज नंबर 79 ओपन करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। ठीक है, शेडेड जो फिगर है उसकी क्या है, फ्रैक्शन क्या है। राइट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को लिखें, देन राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच ऑफ दीज फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने शेडेड जो फिगर है, बॉक्सेस हैं, उनकी फ्रैक्शंस को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को सेपरेट लिखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास ये बॉक्सेस गिवन है। ये टोटल बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, और 12 में से कितने जो बॉक्सेस हैं वो क्या हैं, हमारे पास शेडेड है। क्वेश्चन में पहले अगर हम इतना क्वेश्चन देखें तो उन्होंने हमें कहा है कि आपने शेडेड फिगर की फ्रैक्शन हमें बतानी है। तो शेडेड फिगर की फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो देखें कितने बॉक्सेस शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जो है हमारे पास जो बॉक्सेस हैं वो क्या हैं, शेडेड है। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 6/12। फिर उसने कहा है कि आपने राइट करनी है न्यूमिनेटर एंड देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कौन सी वैल्यूज होती है, मैंने आपको बताया था जो अबव दी लाइन होती है वो क्या होती है, न्यूमिनेटर, और जो बिलो दी लाइन होती है वो कौन सी होती है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, और डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन